सीएनएन न्यूज लाइव के साथ मैं हूं कायनत मलिक और मैं नाना शहजादी न्यूज बुलेटिन में खुश आमदी। वजीर आजम ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई थी। वजीर आजम और खातून-ए-अव्वल कोरोना में मुब्तला। वजीर आजम इमरान खान और बीबी खातून-ए-अव्वल कोरोना में मुब्तला। वजीर आजम और खातून-ए-अव्वल ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई थी। असद उमर का कहना है की वजीर आजम इमरान खान वैक्सीनेशन से पहले ही कोरोना में मुब्तला थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा वजीर आजम इमरान खान की तबीयत ठीक है, वफाकी वुज़रा पर उम्मीद रहे, वजीर आजम जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। मामले हजूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा वजीर आजम इमरान खान घर में क्वारंटीना है, अब उनकी तबीयत ठीक है। वजीर आजम इमरान खान अच्छी सेहत में है, बिल्कुल ठीक है इस वक्त, बहुत मामूली नौयत के उनके सिम्टम्स है और इंशाल्लाह हमें कभी उम्मीद है की वो सेहतियाब होंगे। बड़े डिटर्मिनेंट इंसान है और बहुत जल्द इंशाल्लाह इस पर गलबा पाएंगे और कौमी खिदमत अपनी जारी रखेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा वजीर इमरान खान बहुत जल्द सेहतियाब होंगे। क्रिकेट में फाइट की, सियासी जदोजहद की, कोरोना क्या चीज है, वजीर आजम जल्द सेहतियाब होंगे, वफाकी वुज़रा पुर उम्मीद। नरेंद्र मोदी ने कहा वो वजीर आजम पाकिस्तान की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो है। मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इमरान खान की सेहतियाबी के लिए दुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम की सेहत के लिए दुआ तो की, लेकिन सियासत करना ना भूले। सीनियर लीगी रहनम और कानूनी टीम का मरियम नवाज को नया पेशी से पहले जमानत का मशवरा। दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। पहले ही जमानत करवा लें, गिरफ्तारी हो सकती है। लीगी रहनुमा और कानूनी टीम का मरियम नवाज को मशवरा। हमजा शहबाज की कोर्ट लखपत में जेल में वालिद शहबाज शरीफ से 3 घंटे मुलाकात हुई और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत भी की गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा तहरीक अदम इतमाद में नाकामी भी हो सकती है। इरशाद मौलाना फजल रहमान की जुबान पर आ गए। असेंबली को मैं नाजायज समझता हूँ, जब मैं वहाँ पर अदम एतमाद लाऊंगा तो पहले तो मैं पार्लियामेंट पे एतमाद करूँ, और अगर सिर्फ दूसरी तरफ चली गई तो मेरा अदम एतमाद की तहरीक खुद इन असेंबलियों को जिसको हम नाजायज कहते हैं इनको जवाब फराहम। दूसरी तरफ चली गई तो क्या करेंगे, मौलाना फजल रहमान को हथियार सताने लगे, लॉन्ग मार्च आगे करने का दुख भी कहा, पीडीएम तहरीके मुलतवी होने से कौम मायूस हुई, मजीद कहा सिखों पर नौ जमातों का जोर है, ये मेरा अकेले का मसला नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने आसिफ अली जरदारी से रहनुमाई की अपील कर दी, कहा आप साथ देंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कभी तितर बितर नहीं हो सकती, सीडीएम कभी नाकाम नहीं हो सकती। अगर इसमें आसिफ दर्ज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो इंशाल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी। साथ ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ की वापसी के मुतालबे से इत्तेफाक नहीं करते। मजीद कहा नून लीग दोबारा हुकूमत गिराने के बड़े दावे भी करने लगी। राणा सनाउल्ला ने शेर रशीद वाला बयान भी डाल दिया। राणा सनाउल्ला ने कहा ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी होगी। वाली ईद आने वाली इंशाल्लाह उससे पहले पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाल्लाह ताला पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान। जुर्म साबित हो चुका लाहौर मोटर ज्यादती केस, मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। सात समातों के बाद आबद मनी और शफकत बगा पर जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा नून लीग के अंदर भी लड़ाई है। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने मजीद कहा पीपल्स पार्टी ने वक्त नहीं नमाज और डार को मांगा है। सर उन्होंने ये बात दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा, तो राणा सनाउल्ला साहब पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और साहबदार को मांगा। नून लीग करप्शन के कोरोना में मुब्तला है। मामले खसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का तबसरा, कहती है हमजा शहबाज और मरियम नवाज का मैच चल रहा है, हमजा लीग की पोजीशन मजबूत है।
लीगी रहनुमा जवेद लतीफ के खिलाफ बगावत का पर्चा, पाकिस्तान खप्पे का नारा ना लगाने के ऐलान पर मुकदमा दर्ज। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। साइबर क्राइम की दफात भी शामिल जावेद लतीफ फिर डर गए। जावेद लतीफ ने खुद पेश होने का ऐलान कर दिया। बोले, हुकूमत पहले मदई बने फिर बताऊंगा कौन गद्दार है। पीटीआई के साबर काउंसलर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है तो जरूरत करो। हुकूमत वक्त खुद मदई बने फिर मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। पीडीएम के सरकार मौलाना फजल रहमान ने कहा, वैक्सीन फ्रॉड है या कोरोना फ्रॉड है। इधर 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने फॉरन फंड गेस्टमैन को बुला लिया है और इधर कोरोना हो गया है। ये सारी चीजें समझ में। जहलम में खतून से मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी से आने वाली खातून से गांव दादी खां में डेरे पर ले जाकर ज्यादती की गई। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरावाला में शहरी का कातिल सगा बेटा निकला, बाप को साथ ले गया, वीराने में जान दे दी। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे में बात ना मानने पर तलख कलामी हुई थी। तलख कलामी की वजह से बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पीआईए ने सैयद शरीफ के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया। सवाद जाने के लिए अब कम वक्त लगेगा। पहली परवाज 26 मार्च और दूसरी 29 मार्च को लैंड करेगी। लाहौर में जानवरों के लिए शेल्टर होम, खाना मिलता है, इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। लावारिस जानवरों को ठिकाना मिल गया। जोशा कहती हैं, ये मैंने अपने पालतू जानवर की याद में शेल्टर होम बनाया। मेरी एक पेट डॉग थी जिसका नाम था चीकी। उसकी डेथ हुई और जिस लोडर में उसको डेड बॉडी को डाला जैसे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस चीज के अंदर ये जो आज शूटिंग हुई है इसके अंदर सिर्फ एक कीकी नहीं थी। तो और कंटोनमेंट वॉर कर फिटम का कराची को खूबसूरत तोहफा, जमीन पर कोसो कजा के रंग बिखर गए। सीबीयू जाए और खुशबू से दिल बहलाए, साहिल महक उठा शहरियों की सेल्फियां, शहरी पुरजोश। खवातीन में कॉस्मेटिक सर्जरी का बढ़ता रुझान, कुछ मॉडल्स ने अच्छा ऑप्शन और कुछ मॉडल्स ने फजूल करार दे दिया। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें क्या न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।